बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 4 एट पेज नंबर 43। जी, फर्स्ट स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, यानी सही अल्फाज के साथ खाली जगह पूर करें। नंबर वन है सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच गाइड्स द कंप्यूटर हार्डवेयर रिगार्डिंग देयर जॉब। जी, सॉफ्टवेयर किसका सेट होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस यानी हदायात का मजमुआ होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर्स को जो है वो गाइड करता है कि उन्होंने कैसे काम करना है। ठीक है, आई एन एस टी आर यू सी टी आई ओ एन एस, इंस्ट्रक्शंस, वर्ड राइट किया हुआ। ओके, नंबर टू पे है द टाइप ऑफ अ सॉफ्टवेयर वी नीड डिपेंड्स ऑन द डैश वी वांट टू डू, यानी हमें किस किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए ये डिपेंड करता है काम पे कि हम काम क्या करना चाहते हैं। जो काम करना चाहते होंगे उसी तरह का हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। सपोज़ अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अगर हमने कोई बिजनेस से रिलेटेड मैथमेटिकली काम करना है तो हमें कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा? फिर हमें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, फिर वो काम जो है वो एमएस वर्ड के अंदर नहीं होगा। तो फिर ये किस पे डिपेंड करता है? सॉफ्टवेयर का जो इन्हेसार है वो किस पे होता है? हमारे काम पे होता है। जिस तरह का काम करना चाहते होंगे उसी तरह का सॉफ्टवेयर जो होगा वो चाहिए होगा। तो जे ओ बी, जॉब। ठीक है, नंबर थ्री पे है विदाउट डैश सॉफ्टवेयर इज यूजलेस, सॉरी विदाउट डैश कंप्यूटर, नंबर थ्री है विदाउट डैश कंप्यूटर इज यूजलेस, यानी कंप्यूटर किसके बगैर नकारा होता है, किसके बगैर वो काम का नहीं होता, सॉफ्टवेयर के बगैर। एस ओ एफ टी सॉफ्ट, डब्ल्यू ए आर ई सॉफ्टवेयर, क्या है? एस ओ एफ टी सॉफ्ट, डब्ल्यू ए आर ई सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर क्या होता है? काम का नहीं होता। सॉफ्टवेयर ही जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं वही कंप्यूटर हार्डवेयर को गाइड करते हैं काम करने के लिए। उसके बाद नंबर फोर है डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को क्रिएट करने का जो अमल है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग, पी आर ओ जी आर ए डबल एम आई एन जी, प्रोग्रामिंग, क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। नंबर फाइव है डैश इज अ पर्सन हु डिजाइंस राइट्स टेस्ट एंड इम्प्लीमेंट्स द कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी जो शख्स जो होता है वो कंप्यूटर को राइट सॉरी प्रोग्राम को राइट करता है और फिर उसको टेस्ट भी करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है कंप्यूटर प्रोग्राम पे, वो कौन होता है? प्रोग्रामर। कौन होता है? प्रोग्रामर, पी आर ओ जी आर ए डबल एम ई आर, प्रोग्रामर, यानी जो कंप्यूटर्स को राइट करता है और फिर टेस्ट करता है और इम्प्लीमेंट करता है प्रोग्राम पे, वो कौन होता है? प्रोग्रामर। नंबर सिक्स है द टाइप ऑफ अ लैंग्वेज वी यूज डिपेंड्स ऑन द डैश वी वांट टू प्रिपेयर, हाँ जी, हमें यानी किस टाइप की जो लैंग्वेज है वो यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है प्रोग्राम पे कि हम किस तरह का प्रोग्राम जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं। अगर हम कोई बिजनेस से रिलेटेड जो है प्रोग्राम जो है वो तैयार करना चाहते हैं प्रिपेयर, तो फिर क्या होगा? हमें बिजनेस से रिलेटेड जो लैंग्वेज होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी उसको यूज़ करेंगे। अगर कोई टीचिंग टून के लिए प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए कोई और लैंग्वेज होगी वो यूज़ करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स को तैयार करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें क्या आएगा? डिपेंड ऑन द प्रोग्राम, पी आर ओ जी आर ए एम, प्रोग्राम। नंबर सेवन पे है द ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इन टू मशीन लैंग्वेज इज अ कंपाइलर, यानी जब जो भी प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेजेस में राइट किए जाते हैं तो कंप्यूटर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को डायरेक्ट नहीं अंडरस्टैंड करता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, वो है मशीन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर फिर जो प्रोग्राम्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में राइट किए जाते हैं उनको मशीन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कौन करता है? वो करता है कंपाइलर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है। कौन करता है? कंपाइलर, सी ओ एम पी आई एल ई आर, कंपाइलर।
नंबर 8 पे है, डैश इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। जी, किसी भी प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं एल्गोरिथम, ALGORITHEM, एल्गोरिथम। नंबर 9 पे है, बिफोर 1952 द ओनली अवेलेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज डैश लैंग्वेज। यानी 1952 से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती थी वो कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज, MACHINE, मशीन लैंग्वेज। यानी मशीन लैंग्वेज वो है जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है। कंप्यूटर के अंदर जितना भी डाटा स्टोर होता है वो मशीन लैंग्वेज में ही स्टोर किया जाता है। नंबर 10 पे है, डैश इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम। यानी जो एल्गोरिथम होता है उसको स्टेप बाय स्टेप जो तस्वीरी नुमाइश होती है एल्गोरिथम की, स्टेप बाय स्टेप तस्वीरी नुमाइश को क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट। क्या कहते हैं? फ्लो चार्ट, FLOWCHART, फ्लो चार्ट। नंबर 11 पे है, कंप्यूटर्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड डैश मशीन। कंप्यूटर्स जो होते हैं वो किस लैंग्वेज को डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेते, यानी जैसे हम राइट करें उस लैंग्वेज में कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है। जैसे कि हम जो हैं किस लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड करते हैं? उर्दू को। उर्दू में कोई भी बात करें हम फौरन उसको क्या करते हैं? समझ आते हैं। तो कंप्यूटर किसको समझता है? मशीन लैंग्वेज को, MACHINE, मशीन लैंग्वेज। नंबर 12 पे है, असेंबली लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। असेंबली लैंग्वेज जो थी वो कब इंट्रोड्यूस करवाई गई, कब मुतारिफ करवाई गई? 1952 में। जी, 13 पे है, इन कोडिंग वी डैश द लॉजिक ऑफ एल्गोरिथम इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमने स्टेप्स पढ़े थे, डेवलप अ प्रोग्राम को, ये देखें यहाँ पे, ये पढ़े थे हमने डेवलपिंग अ प्रोग्राम। इसके हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे कि सबसे पहले जब कोई प्रोग्राम जो है राइट करना होता है तो पहला जो स्टेप होता है उसके अंदर हम मसले की वजाहत करते हैं, टू डिफाइन दी प्रॉब्लम। फर्स्ट पे हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी डिज़ायर क्या है, हम किस लिए प्रोग्राम को जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। नंबर 2 पे फिर हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम इस मसले को कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमने प्रोसीजर होता है उसको राइट करते हैं, इंग्लिश में ही राइट कर लेते हैं, उस प्रोसीजर को कहते हैं एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप। यानी हम देखते हैं कि हम पहले इनपुट ये लेंगे, उसके अंदर डाटा कैसा होगा, फिगर्स में होगा, वर्ड्स में होगा, सिंबल्स में होगा, और जब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जब इन आउटपुट आएगी हमारे पास वो किस लैंग्वेज में होगी, ये सारा कुछ हम देखते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम। नंबर 3 जो मेन स्टेप है, टू कोड द प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो प्रोसीजर हमने तैयार किया होता है, जो एल्गोरिथम होता है, उसको फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश को नहीं समझता, वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही समझता, तो हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसको कहते हैं कोडिंग। क्या कहते हैं? कोडिंग। तो कोडिंग में क्या होता है, हम ट्रांसलेट करते हैं, TRANSLATE, ट्रांसलेट। तो हमारी फिल इन दी ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जी, नेक्स्ट पेज पे है, फिल द कलर इन द राइट सर्कल्स। यानी हर स्टेटमेंट के सामने जो आपको 2 सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, एक के अंदर जो है वो यस राइट किया हुआ, एक में नो। अगर स्टेटमेंट जो होगी वो सही होगी तो हमने यस वाले को फिल कर देना है, अगर स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो हमने उसी स्टेटमेंट के सामने नो वाले सर्कल को फिल कर देना है। नंबर 1 पे देखें, कंप्यूटर्स मस्ट रिक्वायर अ प्रोग्राम टू डू आ रिक्वायर्ड जॉब। यानी जो भी काम हमें रिक्वायर होता है उसको करने के लिए किसी ख़ास प्रोग्राम की जो है वो ज़रूरत होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसको रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हमें कौन सा प्रोग्राम जो होगा वो रिक्वायर होगा? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा प्रोग्राम? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो काम होता है, कोई स्टेटमेंट तैयार करनी है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, तो वो किसके अंदर होती है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसके सामने हमने यस वाले सर्कल को फिल कर दिया। नंबर 2 पे देखें, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज। क्या कंप्यूटर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं? नो, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझते हैं। तो ये हमने इसके सामने नो वाले सर्कल को
सर्कल को फिल कर दिया। नंबर थ्री पे देखें, मशीन लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है, यस। तो हमने इसके सामने यस वाले सर्कल को फिल कर दिया। नंबर फोर पे देखें, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजियर देन लो लेवल लैंग्वेजेस, यस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं इसके अंदर प्रोग्रामिंग करना आसान होता है, लो लेवल के अंदर प्रोग्रामिंग करना मुश्किल होता है। तो इसको भी हमने क्या किया, यस वाले सर्कल को फिल कर दिया। नंबर फाइव पे देखें, असेंबली लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, नो। असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल है। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये दोनों लो लेवल हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी। तो इसके सामने हमने नो वाले सर्कल को क्या किया, फिल कर दिया। हमारे चैप्टर नंबर फोर की जो थी वो एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीट हो चुकी है, और ये हमारा बेटा लास्ट लेक्चर था। अब आपको अगर कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको हर लेक्चर में कहती हूँ कि लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको समझ आ जाए तो मुझे यस में मैसेज किया करें। आप लोग मुझे लगता है शायद देखते ही नहीं हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर फाइव, ये हमने नहीं करना, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसको क्या करना है, ये प्रैक्टिकली है, इसको ना हमने लर्न करना है ना इसको हमने सॉल्व करना है, इसकी कोई एक्सरसाइज। तो ये जब आप लोग वापस स्कूल में आएंगे तो ये मैं आपको लैब के अंदर इसको प्रैक्टिकली करवाऊँगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।